remember we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहास किचन। ये देखिए, आज हम साबूदाने की टिक्की बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने ले रखे हैं मेन मेन सामान। ये मैंने छोटे छोटे 3 आलू ले रखे हैं और 1 कप साबूदाने ले रखे हैं और ये 1/2 कप मैदा ले रखी है। बाकी सारे मसाले इसमें डलेंगे और मैंने साबूदानों को पहले से पानी में भिगो दिया है जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। और फिर अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, सारे मैंने ले रखा है और मैंने जो साबूदाने थे उनको ड्रेन कर लिया है। अब इसको एक बाउल में हम मिक्स कर लेंगे सारा आइटम। ये हम मैदा डालेंगे। मैदा जितनी रिक्वायर्ड हो उतनी ही डालिएगा। अगर 1/2 कप में आपका नहीं बाउंड हो रहा हो, अच्छे से टिक्कियाँ नहीं बन रही हों, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैदा की जगह आप और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्रेड क्रम्स और अरारोट, ये सब भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो व्रत में भी इस टिक्कियों को बना सकते हैं। तो व्रत के लिए कोई भी आटा, कुटू का आटा या सिंघाड़े का आटा आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, 1 स्मॉल स्पून से मैं धनिया डाला हुआ है और थोड़ी सी आधा चम्मच लाल मिर्च डाली हुई है क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते, और आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मैं सौंफ डाल रही हूँ और थोड़ी सी हल्की छोटी वाली जो राई आती है वो डाल रही हूँ। और बस अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे हम। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। ये मैंने 1/2 टेबल स्पून करीब डाली हुई है और ये मैं करी लीव्स डाल रही हूँ थोड़ी सी तोड़ के। ये देखिए, मैं करी लीव्स डाल रही हूँ। धनिया पत्ती भी इसमें डाल सकते हैं और आप चाहें तो प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं इसमें। मैं ये मिर्ची वगैरह कम डाल रही हूँ, ये सब चीज़ें, जिससे कि बच्चों को मेरे तीखा ना लगे। थोड़ा सा, बिल्कुल 4 स्पून समझ लीजिए या 3/4 कप मैंने ये ओट्स डाले हुए हैं इसमें, जिससे किसी को पता भी ना चले कि वो ओट्स खा रहे हैं और वो अच्छे से हेल्दी एक डिश खाएँ। ये अच्छे से अब इसे मिक्स कर लेंगे हम, एक डो की तरह तैयार कर लेंगे। देखिए, हमारा डो बन के रेडी हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई कट कर लेंगे और छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लेंगे। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं उस टिक्कियों को। मैं राउंड शेप दे रही हूँ बिल्कुल। आप चाहें तो इसे अंडाकार या ऐसे, ये देखिए, ऐसे शेप में भी दे सकते हैं। आपको मैं सारे शेपों में ला के बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा 1 टिक्की रेडी हो गई है और ये मैंने दूसरी बना ली, ये भी मैंने उसी शेप में बनाई है। ये देखिए, ये मैं ऐसे प्लेट में बना बना के रेडी कर लेती हूँ। कुछ हम राउंड शेप में बना लेते हैं। ये देखिए, बहुत मोटी मत रखिएगा इन्हें, जिससे कि ये अंदर से पक जाए। अगर मोटी रखेंगे तो ये अंदर से पक नहीं पाएंगी, तो वो अच्छी नहीं लगेंगी, कच्ची कच्ची सी लगेंगी। इसलिए बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखिएगा और बहुत ज़्यादा तेज आँच पे हमें नहीं सेकना है इन्हें। पहले बहुत तेज कर लेना है, फिर उसके बाद जब मीडियम कर लेंगे गैस, तब हम इनको डालेंगे। ये देखिए, बन गई हमारी। अब हम अपना पैन रख देते हैं गैस पे और फिर सेकना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए और अब हम इसमें अपने कटलेट्स या टिक्की कह सकते हैं, साबूदाने की टिक्की, अब हम इसमें अपनी टिक्कियाँ डाल देंगे। एक साथ 3 से 4 या 5 ही सेकिएगा, जितनी उसमें सिक पाए अच्छे से। ये देखिए, टिक्कियाँ थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो गई थी इसलिए मैंने पलट दी हैं। अब बस थोड़ा सा और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है, जिससे कि ये लुक वाइज बहुत ही अच्छी लगे। और टेस्ट में तो ये बहुत ही यम्मी लगती हैं, आप कभी भी बना के खा सकते हैं और व्रत वगैरह में भी आप बना के खा सकते हैं।
बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस डिश को तो, और आपके बच्चों को पक्के से ये पसंद आएंगी और वो दोबारा दोबारा बनाने के लिए बोलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये साबुदाने की टिक्कियाँ बनके रेडी हो गई हैं और मैंने दोनों शेप में आपको बना के दिखाई हैं, ये कटलेट शेप में और राउंड शेप में, और आप इसे किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। मैंने यहाँ चिली सॉस लिया हुआ है, केचप लिया हुआ है, आप चाहें तो हरी चटनी बना सकते हैं इसके साथ, और कोई भी चटनी के साथ आप बना के इसे अपने बच्चों को दे सकते हैं और उन्हें ये ज़रूर से पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। ज़रूर से अभी इसे ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।